हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे क्लैन वॉर लग चुकी थी एक दूसरा क्लैन के साथ, जो हम 59 स्टार से जीत चुके हैं। तो मैं आप लोगों को अपने अटैक शेयर करने जा रहा हूँ TH11 से, जो मैंने किए थे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को प्लान समझा देता हूँ। हमारा प्लान ये है कि पहले हमें यहाँ पर 12 o'clock के अर्चा टावर के पास एक बलून ड्रॉप करना है, फिर हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रो ड्रैगन ड्रॉप करना है। तो हमारा यहाँ पे फनल बन जाएगा, इलेक्ट्रो ड्रैगन इतनी चीज़ें निकाल देगा। उसके बाद हमें यहाँ से सारे इलेक्ट्रो ड्रैगन ड्रॉप करने हैं वार्डन और ब्लिम्प के साथ। उसके बाद हमें यहाँ पे अपने हीरोज ड्रॉप करने हैं आर्मी कैंप के पास, बारबेरियन किंग और आर्चर क्वीन। जैसे ही हमारे ट्रूप्स कोर के पास पहुँचेंगे, हमें यहाँ पर रेज कर देना और एबिलिटी दे देनी। फिर जैसे हमारी ब्लिम्प टाउन हॉल के पास पहुंच जाएगी, तो हम यहाँ पर ब्लिम्प को ओपन करके रेज ड्रॉप कर देंगे, जिससे सारी एक्सबो हमें मिल जाएगी। उसके बाद पड़ती फ्रीज और रेज की ज़रूरत पड़ती रहेगी, वैसे वैसे हम ड्रॉप करते रहेंगे। चलिए अब सीधे अटैक पे चलते हैं। गाइस, जैसा कि आपने हमारा लास्ट अटैक देखा, हमने इजीली 3 स्टार कर लिया है। अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट बेस पे अटैक करने के लिए। तो मैं पहले आप लोगों को प्लान बता देता हूँ। सबसे पहले हम 2 लाइटनिंग स्पेल ड्रॉप करेंगे एयर स्वीपर के ऊपर, जिससे कि एयर स्वीपर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद हम बेबी ड्रैगन ड्रॉप करेंगे गोल्ड माइन के ऊपर, जिससे गोल्ड माइन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और फनल बन जाएगा इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के लिए। फिर हम अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन ड्रॉप करेंगे और साथ में वार्डन को ड्रॉप कर देंगे बैटल ब्लेम के साथ। फिर हम अपने हीरोज ड्रॉप करेंगे बिल्डर हट के ऊपर किंग और क्वीन को। फिर जैसे हमारे ट्रूप्स और बैटल ब्लिम्प ईगल आर्टिलरी के पास पहुंचेंगे, वैसे ही हम यहाँ पे रेज ड्रॉप करके वार्डन एबिलिटी दे देंगे। फिर जैसे हमारी बैटल ब्लिम्प टाउन हॉल के पास पहुंचेगी, तो हम यहाँ पे रेज ड्रॉप कर देंगे। फिर जैसे जैसे हमें फ्रीज और रेज स्पेल की ज़रूरत पड़ती रहेगी, वैसे वैसे हम ड्रॉप करते रहेंगे। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अटैक पे।